देखो एट्थ क्वेश्चन में डाउट, चेन को उठाने वाला क्वेश्चन था ये, एमजीएच वाला, सेंटर ऑफ मास से। नाइन्थ में डाउट, देखो नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर आप खाम खाएँ ऐसे ही इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एफ की वैल्यू कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है पहले ये बताओ, इसमें किस पे डिपेंडेंट है फोर्स? इसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, प्लीज ये नोट कर लें, वेयर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर कॉन्स्टेंट्स। तो फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, कौन सी, नाम क्या है, वाई। तो वाई चेंज हो रहा है इसमें, वो कह तो रहा है फोर्स वाई पे चेंज, वाई डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और वर्क डन निकाल लो जब डिस्प्लेसमेंट वाई इज इक्वल टू माइनस ए से ए है। इसका मतलब माइनस ए से ए में वाई चेंज हो रहा है, आपको क्या निकालनी है इसमें, डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में कैसे यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी आई में एफ की वैल्यू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इंटू कितना डी वाई, और लिमिट वाई की क्या पुट करेंगे, माइनस ए से ए। ये लो करो करो, वर्क डन निकालो, ए बी सी कॉन्स्टेंट्स। हाँ, इसका आंसर बी बी आएगा ना, इसका आंसर बी आएगा और ये थ्री आएगा। हाँ करो जरा, ऐसे आएगा इसका आंसर, ट्राई करो। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें फोर्स की वैल्यू, हाँ इसमें आपने ये स्टेप देखा, जो अगला इसको ब्रेक करें, ब्रेक करके ये स्टेप नोट किया, ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, सी बाहर आ गया, ये स्टेप आया सबका। फिर वाई स्क्वायर के इंटीग्रेशन क्या है, वाई क्यूब बाई थ्री, वाई रेज टू पावर वन की क्या है, वाई रेज टू पावर टू बाई टू, और इसकी वाई चेक करो, लिमिट पुट करो, एक बार वाई की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, वाई की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, वाई की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, करो जरा माइनस आंसर क्या आएगा, चेक करो। ठीक है, यहाँ तक चेक करो, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगी ना, ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर माइनस, तो बी तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पुट करेंगे ऑप्शन नंबर, चेक कर लो क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, कर लेना सॉल्व इसे। कितने लोगों को टेंथ में डाउट है, टेंथ में डाउट है, ओके। देखो इस टेंथ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या के बने, स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज वर्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, ये याद आ रहा है कि एक वर्टिकल सर्कल है, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है ये, विद वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर, तो एक एंड कहां पर है, सेंटर पे फिक्स है। एट अ सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन इज एट लोएस्ट पोजिशन एंड हैज अ स्पीड ऑफ यू, किसी इंस्टेंट पर स्टोन जब लोएस्ट पॉइंट को पास कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, यू। The magnitude of change in its velocity
एज इट रीचेज अ पोजिशन वेयर स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, तो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल कब होगी, जब वो ऐसी हो जाएगी, पहले ऐसी थी अभी हॉरिजॉन्टल ऐसी होगी, तो इस टाइम, अभी ये नहीं है कि पेंडुलम है तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे मूव कर रही है, और इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या है, वी, मान लेते हैं वी, इसमें गिवन नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, वी। तो आपको ये बताना है कि यहां और यहां आने में चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, ये क्वेश्चन है, और इट इज मूविंग इन अ सर्कल, ये पेंडुलम नहीं है, सर्कल मूव कर रहा है वर्टिकल, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी मानते हो, और वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल, यू से वी हो गई। तो जब एक वेलोसिटी गिवन हो और दूसरी वेलोसिटी कहीं पर भी निकालनी हो सर्कुलर मोशन में, हम क्या यूज करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम, तो ग्राउंड पर पोटेंशियल क्या है, जीरो, काइनेटिक है हाफ एम यू स्क्वायर, यहां पर पोटेंशियल क्या है, एम जी एल, और काइनेटिक है हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेट करो, वी निकालो, वी निकालो, यू गिवन है, फिर चेंज इन वेलोसिटी निकालो, ट्राई करो, निकालो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, इक्वेट करो, और पहले वी निकालो, फिर वी और यू में चेंज इन वेलोसिटी निकालो, हाँ जी आ गया, अच्छा वी आ गया, डी आया ऑप्शन, पहले बताओ वी आया, वी आ गया, सॉल्व करके क्या वी, ये आ गया वी, आ गया वी या वी स्क्वायर, सबका आया वी स्क्वायर या वी, एक ही बात, अंडर रूट में आ गया होगा, कोई बात नहीं। अब निकालने क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, कई लोग पता क्या करके आएंगे, वी में से यू माइनस कर देंगे, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, कॉमन मिस्टेक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कहां पर है, ऐसे, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे है, ऐसे, एंगल कैन के बीच में 90, अब वेलोसिटी का डिफरेंस वेक्टर में किया था, क्या था फॉर्मूला डेल्टा वी का, अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू इंटू कॉस ऑफ थीटा, प्लस नहीं है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर याद है, तो फिर वेलोसिटी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन लगेगा, तो क्या लगेगा, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू इंटू वी इंटू यू इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो बस ये आंसर है, वी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, यू तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर टू का बना गया आंसर, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक,
कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं? एंड में क्या किया? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, जी, यस सर। ये क्वेश्चन अभी हमने कर लिया। ओके, एक ना क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, इसमें कुछ ना गिवन, पूछ बहुत कुछ रहे, दे कुछ रहा नहीं। क्या आया किसी का आंसर? ये नहीं आया, ये आएगा नहीं वैसे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और नॉट फॉर एनसीईआरटी, ये स्टैंडर्ड कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम है। हर ऑब्जेक्टिव किताब के अंदर ही गिवन होती है, आए ना आए मुझे पता नहीं, शायद आई नहीं है या आई मुझे पता नहीं है, ऑब्जेक्टिव बुक में ज़रूर मिलेगी आपको। क्या क्वेश्चन है? बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन बाय मशीन डिलीवरिंग अ कॉन्स्टेंट पावर। तो मुझे क्या गिवन है? बॉडी चल रही है, पावर कॉन्स्टेंट है। द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, तो बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर किया होगा, वो टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी नहीं गिवन यार, मैं आपको तरीका बताता हूँ। पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्लियर है? फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, फॉर्मूला बुकलेट में पॉइंट नोट करो। व्हेन पावर इज कांस्टेंट, व्हेन पावर इज कांस्टेंट, अप्लाई फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एफ इनटू वी। याद रहेगा, जब पावर कांस्टेंट है तो कहाँ से स्टार्ट करना है? एफ इनटू वी, फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर है। ठीक है, इतना ही लिखना, उसके बाद लिखवाता हूँ क्या करना है, इसके बाद समझना है सिर्फ। लिखने की जरूरत नहीं है प्लीज़, ये सारा कोई जरूरत नहीं आपको, नहीं मतलब कोई अननेसेसरी, सिर्फ लिखते जाओगे फायदा कुछ होगा नहीं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन डीवी बाई डीटी है, ऐसे ही है। तो मैं फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल लूंगा। वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी या डी एस बाई डी टी, वहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा। तो दो बार इंटीग्रेट करने वाला हूं मैं, पहले फोर्स से एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी लाने के लिए इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए एक और इंटीग्रेशन। रूल समझ में आया? स्टेप चेक करो, फोर्स इज पावर इंटू वेलोसिटी, पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी, पावर कॉन्स्टेंट है, मास कॉन्स्टेंट है एक तरफ, वी डी वी और डी टी एक तरफ, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो मैं एक काम करूंगा, डी एस से मल्टीप्लाई डी एस से डिवाइड, ताकि डी टी हट जाए और डी एस आ जाए। डी एस बाई डी टी क्या होती है? वेलोसिटी वी, वी इंटू वी क्या हो गया? वी स्क्वायर, और डी एस राइट साइड पे चला गया, तो पी बाई एम इंटू डी एस। तो आपके पास ये टर्म आ गई, इसको आपने इंटीग्रेट किया, तो वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन वी क्यू बाई थ्री, पी बाई एम कॉन्स्टेंट है, वन डी एस की इंटीग्रेशन एस, थ्री राइट साइड पे चला गया, क्यूब रूट लिया तो वी की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक? तो वी की वैल्यू आ गई, पर हमने तो एस निकालना है। नेक्स्ट स्टेप, वी लिखा, वी के अंदर लिखा डी एस बाई डी टी, ये सब पावर थ्री एम सब कांस्टेंट है, इसकी जगह के लिख लिया, कुछ भी के। डी टी राइट साइड पे ले गए हम, और एस वाली टर्म एक तरफ रख ली, तो डी एस और एस एक तरफ, डी टी एक तरफ। फिर से एक बार इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके एस की पावर माइनस वन बाई थ्री की इंटीग्रेशन एस की पावर टू बाई थ्री बाई टू बाई थ्री के टी, टाइम राइट साइड पे गया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? एस की पावर टू बाई थ्री इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, टू बाई थ्री राइट साइड पे जाएगा तो थ्री बाई टू। अब मन में आएगा मैं क्वेश्चन कैसे करूँगा पेपर में, ये तो बहुत टफ है, तो लिखो शॉर्टकट आगे, आपने नहीं करना। लिखे, व्हेन पावर इज कॉन्स्टेंट अप्लाई पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, इस केस में लिखें एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर थ्री बाई टू, बस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर थ्री बाई टू, बस। समझ में आ रहा है यहाँ तक? मेथड से समझाने के लिए बताया, करना कोई जरूरत नहीं आपको करने की, ये बट आपको मेथड समझ में आ रहा है कि ये करने के बाद जब ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन चेंज होके नहीं आएगा, आप टेंशन मत लें, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये। तो एस की वैल्यू क्या आएगी? टी रेस टू पावर थ्री बाई टू। और ये भी साथ लिखें, वेलोसिटी इज प्रपोर्शनल टू एस रेस टू पावर वन बाई थ्री, एंड वेलोसिटी इज प्रपोर्शनल टू एस रेस टू पावर वन बाई थ्री। तो आप बुक्स में दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, वेलोसिटी किसके प्रपोर्शनल है और टाइम किसके प्रपोर्शनल है, बात ही खत्म कर दी, फॉर्मूला के अंदर नोट कर लो, डन कर देना। ठीक है यहाँ तक? तो कौन ही करेगा इतनी बड़ी इंटीग्रेशन, तो दिखाने के लिए, हम तो फ्री हैं, हम तो कर लेंगे, कोई फर्क नहीं है, तुम इतने फ्री नहीं हो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जरूरत नहीं आपको करने की। 13th क्वेश्चन,
क्वेश्चन पढ़े। जीरो नहीं आंसर, ओके। मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो, आंसर दो मिनट में आ जाएगा, एक एक स्टेप करके चलते हैं। पहली चीज, पार्टिकल जिसका मास m है, ये क्वेश्चन सर्कुलर का है प्लीज, एक पार्टिकल जिसका मास m है इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इसमें घूम रहा है सर्कल में, ठीक है। आगे क्या गिवन है, r रेडियस में और सेंटीपेटल एक्सेलरेशन ये गिवन है, कितनी के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। मेरा पहला क्वेश्चन, इसकी शक्ल देखते हुए क्या बता सकते हो कि सेंटीपेटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, क्या कांस्टेंट है या नहीं, कितने बोलते हैं कि कांस्टेंट लग रही है, कितने बोलते हैं कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, कैसे आपने क्या चीज ऐसी देखी कि चेंज हो रही है, क्या के चेंज हो रहा है, के तो कांस्टेंट है नहीं चेंज, क्या रेडियस चेंज हो रहा है, क्या टाइम, टाइम कभी रुकता है किसी के लिए नहीं, इंस्टेंटेनियस टाइम है, तो टाइम के साथ एक्सेलेरेशन क्या हो रही है चेंज, क्या ये पहला स्टेप क्लियर है, ओके। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है सेंटीमीटर, डन। पावर बतानी है क्या है, देखो पावर हमने सर्कुलर मोशन में कोई पावर की नहीं, हमें ये पता है, अच्छा इस ये बताओ, पावर भी बाद में चलते हैं, ये बताओ कि क्या इस क्वेश्चन में सेंट बॉडी सर्कल में घूम रही है, सेंटीपेटल एक्सेलेरेशन दे ही रहे ना वो, इसके इक्वल है, बात ही खत्म। क्या इस क्वेश्चन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है या नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कब होती है, जब स्पीड की वैल्यू भी क्या होती है चेंज, जब स्पीड चेंज होती है वी चेंज होता है तो टेंजेंशियल भी है या नहीं, है टेंजेंशियल, लग रहा है आपको वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होगी या नहीं लग रहा, अच्छा चेक करना पड़ेगा, आप शक्ल देखिए बोल ही सकते कि टेंशन एक्सलेशन है कि नहीं, कैसे बोलोगे, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको यहां से एक्सलेशन की जगह जो गिवन है पुट करना पड़ेगा वी स्क्वायर बाय आर, आर राइट साइड पे चला गया तो क्या आ गया वी, विलो अंडर रूट लेके वी, वी की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है, क्या वी कॉन्स्टेंट है कि नहीं, क्या वी कॉन्स्टेंट है कि नहीं, अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं कैसे चेक करते हो, क्या के कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है, आर भी सेम है, टाइम सेम होता है कभी नहीं, टाइम चेंज होगा तो वी भी तो चेंज होगा ना, तो क्या वी कांस्टेंट है कि नहीं, नहीं है ना, वी चेंज हो रहा है ना, और अगर वी चेंज हो रहा है तो इस क्वेश्चन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगी, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का रीजन क्या होता था, वेलोसिटी की वैल्यू का चेंज होना, वेलोसिटी की वैल्यू इसमें चेंज होगी, चेंज हो रही है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगी, और फिर भी नहीं समझ में आता, एक और तरीका है, v निकाल लोगे, इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, क्योंकि v की डायरेक्शन क्या होती है टेंजेंशियल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन जो आएगी वो भी क्या आएगी टेंजेंशियल, करो डिफरेंशिएट, v को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा dv बाई dt, तो एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है dv बाई dt, तो जब आपने v की वैल्यू को यहां पुट किया dt बाई dt 1 है तो आंसर क्या आएगा k into r, जीरो नहीं आया, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, यहां तक क्लियर है, तो कैसे पता करना है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है या नहीं है, स्टेप समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट इसमें, तो पहले आप क्या निकालेंगे v, v को करेंगे डिफरेंशिएट, अगर आंसर जीरो आ गया टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं है, अगर जीरो नहीं आया तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, क्लियर है यहां तक। अब पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी, सिंपल फोर्स इंटू वेलोसिटी, यहां पर फोर्सेस दो दो हैं, क्यों एक्सेलेरेशन दो दो हैं, पहली एक्सेलेरेशन कौन सी है सेंट्रिपेटल, दूसरी एक्सेलेरेशन कौन सी है टेंजेंशियल, दो एक्सेलेरेशन है इसमें, सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन है एक सेंट्रिपेटल एक टेंजेंशियल, तो फोर्सेस भी दो दो हैं, सेंट्रिपेटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स, दो एक्सेलेरेशन
दो फोर्सेस, कोई डाउट इसमें? दो एक्सेलेरेशंस, दो फोर्सेस, सही है यहां तक? समझ में आ रहा है यहां तक? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क डन करती है जब बॉडी सर्कल में घूमती है? किया था हमने फर्स्ट लेक्चर वर्क एनर्जी पार का, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क डन करती है सर्कल में घूमती है? जीरो, जीरो। मैंने कई बार समझाया भी, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ करती है? टूवर्ड्स, और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है? अलोंग टेंजेंट। तो एंगल इनके बीच हमेशा क्या बनता है? 90। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा हमेशा क्या रहेगा? जीरो। अब पावर बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। भाई वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स का तो जीरो है, तो पावर भी सेंट्रीपिटल फोर्स की जीरो है। क्लियर है यहां तक? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की पावर तो एकदम देखती हो गई जीरो। अब कौन सी फोर्स बची? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल फोर्स क्या है? मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास है, ये रही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पावर बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी? टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी। टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल का तो काम ही खत्म हो गया। टेंजेंशियल फोर्स क्या होगी? मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल हम निकाल चुके हैं कितनी? के आर। और वेलोसिटी ऑलरेडी हम डिफरेंशिएट करके निकाल चुके हैं, के आर टी। तो यहां पर पुट करेंगे, ऑप्शन मार्क कर लेना आंसर। स्टेप समझ में आए यहां तक? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं कि टेंजेंशियल, जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है उसने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अच्छा, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पावर इज इक्वल टू क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पावर का आंसर क्या आएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी? क्या उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी कि नहीं होगी? यूनिफॉर्म में नहीं होगी। सेंट्रीपिटल तो होगी, सेंट्रीपिटल का वर्क डन तो वैसे ही जीरो है, टेंजेंशियल का टेंजेंशियल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ओवरऑल वर्क डन क्या आएगा? जीरो। ओवरऑल पावर क्या आएगी? जीरो। और आसान कर दिया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कैसे सोच रहे हैं? टाइम लगेगा सोचने में, इतनी जल्दी नहीं कैच होता, धीरे 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 करके अपने आप लेवल्स इंक्रीज होंगे। ठीक, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा मिसलेनियस प्रैक्टिस के लिए, अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिस करेंगे, तब आप देखना आप में थोड़ा चेंज आएगा, थोड़ा सा खुद करके। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, 14th रिपीट है ये, जरूरत नहीं है। 15th हमने करना नहीं है इसमें। 16th क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद सम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वी नॉट। ये लो, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है? वी नॉट। इफ 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इन टाइम टी नॉट, तो हुआ क्या? इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्या यहाँ पर प्रेजेंट है? फ्रिक्शन। और कितनी? 3/4 ऑफ एनर्जी खराब हो जाएगी जब टाइम क्या है? टी नॉट। तो टी नॉट टाइम पे यहाँ पर ब्लॉक में क्या हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कैसे, क्या होगी वेलोसिटी बताओ? अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, यही है। और आपकी यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू,
जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, इसके इक्वल हो गई, हाफ हो गई। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, हाफ और एम में तो कोई फर्क पड़ा नहीं होगा, वेलोसिटी ही क्या हो चुकी होगी, वी नॉट बाय रूट टू, तभी तो इसका स्क्वायर क्या दे रहा है आपको, हाफ। ऐसे नहीं होगा, वन फोर्थ है क्या? ओ आई एम सॉरी, इफ थ्री फोर्थ ऑफ द काइनेटिक इज लॉस्ट, ओके सॉरी रिपीट करना पड़ेगा, इफ थ्री फोर्थ ऑफ द काइनेटिक इज लॉस्ट तो बची कितनी, वन फोर्थ, ओके ये बची, इसका थ्री फोर्थ तो चला गया तो बचा कितना, वन फोर्थ। वन फोर्थ का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट बाई टू का होल स्क्वायर। अब ठीक है, वेलोसिटी हाफ हुई होगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी वन फोर्थ हुई, चेक कर लो, जो ऐसे ही आएगा ना, वन फोर्थ तभी आएगा जब वेलोसिटी को, हाफ और एम में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी वन फोर्थ होने का मतलब वेलोसिटी का हाफ होना, ये स्टेप क्लियर है? तो यहाँ से ये पता लग गया कि वेलोसिटी वी नॉट से कितनी हो गई, वी नॉट बाई टू। समझ में आया ये स्टेप, ठीक है ना? तो वेलोसिटी वी नॉट से वी नॉट बाई टू होगी, ठीक। आपको इसमें क्या निकालना है, अब आपको इसमें निकालना है कि इसमें म्यू की वैल्यू क्या है। मुझे बस ये बताओ कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से मूव करती है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो रिटार्डिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स का मतलब नेगेटिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी क्या, म्यू टाइम्स एम जी इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ए। और हमने ये फोर्स चैप्टर में स्टडी भी किया था फ्रिक्शन के अंदर, कि जब कोई बॉडी स्लाइड करती हुई आती है और स्पीड उसकी स्लो होती है तो रिटार्डेशन क्या लेनी होती है, माइनस म्यू जी, किया था हमने। अप्लाई करो इसमें, वी नॉट बाई टू, वी इज यू प्लस ए इंटू टी, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, आंसर सॉल्व कर लेना, म्यू आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? नहीं, एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस में कैसे लगेगी, फ्रिक्शन का भी वर्डन लेना पड़ेगा, लग जाती है, फ्रिक्शन का वर्डन लेना पड़ता है, एक्चुअली ऐसा होता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये ज़्यादा बेटर है यार, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद ये हमने किया हुआ ऑलरेडी, इसकी जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव शीट में था। इस क्वेश्चन को देखें प्लीज, ये शीट में होमवर्क दूंगा, तो अभी आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर वन करना है, क्वेश्चन नंबर थ्री करना है और क्वेश्चन नंबर फोर शुरू करो, अभी शुरू करो, वन थ्री और फोर स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर वन थ्री एंड फोर। आंसर ए बी सी डी में से, क्या लगाया फॉर्मूला पहले में, एम जी एच, ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर टू नहीं अभी करना, क्वेश्चन नंबर थ्री, वन मैन टेक्स वन मिनट टू रेज अ बॉक्स हाइट ऑफ वन मीटर और दूसरा क्या करता है, हाफ मिनट, तो बोलो एनर्जी दोनों में क्या रहेगी, सेम के डिफरेंट, समय तो डिफरेंट है दोनों का, सेम रहेगी क्योंकि एम जी एच दोनों में एग्जैक्टली सेम है, एनर्जी सेम रहेगी लेकिन क्या चीज़ चेंज होगी, पावर,
पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, कोई जल्दी काम करता है उसकी पावर ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा नहीं है, एनर्जी उतनी सेम यूज करेंगे। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में यू की वैल्यू है जो इस क्वेश्चन में गिवन है, यू की वैल्यू इज ए अपॉन एक्स की वैल्यू 12 माइनस बी बाई एक्स की वैल्यू 60। क्लियर ही था अभी? हाँ, थोड़ा मॉडिफाइड है सच। वो कह रहा है कि इसमें कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें ये एनर्जी है, ए और बी कॉन्स्टेंट है। इफ़ द डिस एसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, देखो डराने के लिए क्या होता है, मुझे नहीं पता कौन सी एनर्जी है, डी का फॉर्मूला दे रहा है, डी का ये फॉर्मूला है जिसमें एनर्जी एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी और एनर्जी एट इक्विलिब्रियम इनका सब्ट्रैक्शन है डी। तो अगर आप एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे यू निकालें, एक्स इज इन्फिनिटी पे एट इक्विलिब्रियम पे यू निकालें और दोनों को माइनस करें तो डी आएगा, तो डी क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे इस चीज़ का आंसर दें जरा एक मिनट पहले, कि यू की जो वैल्यू है, यू की वैल्यू बताना जरा क्या गिवन है। यू की वैल्यू है ए अपॉन 12, बी की वैल्यू क्या है एक्स की पावर, ठीक है, डी क्या है, डी है यू एट इन्फिनिटी माइनस यू एट इक्विलिब्रियम, ऐसे ही है ना, यू एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, एक्स एट इक्विलिब्रियम, ऐसे ही है। आप मुझे ये बताएं कि यू एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा, यू एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी बोलो क्या होगा, क्या होगा, कैसे निकालें, तब क्या होगा, जीरो होगा। हाँ, यू का फॉर्मूला दे तो रहे हैं और एक्स की वैल्यू भी दे रहा है इन्फिनिटी, तो एट एक्स इज इन्फिनिटी यू की वैल्यू क्या होगी, ए बाई इन्फिनिटी, ऑब्वियसली बी बाई इन्फिनिटी, जीरो जीरो आंसर इज इन्फिनिटी के ऊपर तो जीरो ही आएगा, तो आधा आंसर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यू एट इक्विलिब्रियम, ये क्लियर है ना। अब इक्विलिब्रियम में एक्स की वैल्यू थोड़ा पता है मुझे क्या होती है, इसमें तो एक्स इन्फिनिटी है पर इक्विलिब्रियम में मुझे निकालनी आती है, एट इक्विलिब्रियम फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, तो जीरो फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। आज किया था ना ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी ऐसे किया था ना, तो यहां से एक्स की वैल्यू आई थी, चेक करो आज के लेक्चर में क्या आई थी एक्स की वैल्यू, याद है कुछ कितनी, अच्छा चलो छोड़ो, तुम निकाल ही लो, निकाल लो, कन्फ्यूजन ही ना हो जाए। जीरो इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस 12 माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस 6। तो जीरो इज इक्वल टू ए माइनस 12 एक्स की वैल्यू माइनस 13 माइनस बी माइनस 6 एक्स की वैल्यू माइनस 7। तो 12 ए एक्स की वैल्यू माइनस 13 6 बी एक्स की वैल्यू माइनस 7। तो 2 ए बाई बी इज इक्वल टू 12 ए बाई एक्स की वैल्यू 13 इज इक्वल टू 6 बी एक्स की वैल्यू 7, ऐसे आया था। तो इस केस में आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू 6 की वैल्यू क्या आई थी बताना, सॉल्व करके 2 ए बाय बी, राइट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे एक्स रेज टू पावर 6 इसके इक्वल है। अब एक काम करते हैं, इक्विलिब्रियम पे यू की वैल्यू निकालते हैं, यू एट इक्विलिब्रियम, ये देखो ए अपॉन एक्स रेज टू पावर 12 को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 6 का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, चलेगा, x की पावर 6 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है इक्विलिब्रियम में 2a बाय b। एक काम करते हैं, a डिवाइडेड बाय इसकी जगह 2a बाय b का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2a बाय b, ठीक है। x की पावर 6 तो निकल ही चुकी है, उस x की पावर 6 को यहां और यहां पुट कर ले, सिंप्लीफाई करना जरा, क्या आ रहा है प्लीज सिंप्लीफाई करना, इसका होल स्क्वायर करेंगे और सॉल्व करें,
बी स्क्वायर बाय, आ रहा है चेक करो प्लीज, यही आ रहा है क्या, बी स्क्वायर बाय 2a की 4a, 4a, बी स्क्वायर बाय 4a। अभी देखो इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, इसकी वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर बाय 4a, तो ऑप्शन मार्क करना, ऑप्शन में बी स्क्वायर बाय 4a ऑप्शन होगा, कुछ ना कुछ मार्क कर लो आंसर, नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, एक ही वैल्यू गिवन है, पुट कर लेना। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे मॉडिफाई किया, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट फिफ्थ, क्या आंसर है फिफ्थ का, डी है, फॉर्मूला क्या लगा रहे हो तो बता दो, E इज इक्वल टू कौन बोला, ठीक बोला, बोलो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला बुकलेट चेक करो, क्या एनर्जी काइनेटिक इज पी स्क्वायर बाय 2m, लगाओ पी स्क्वायर बाय 2m इसमें, तो जब एनर्जी और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्वेश्चन हो तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m लगाओ, अब ई फॉर मोमेंटम, इसकी सब्जेक्टिव शीट भी कर ली पी स्क्वायर बाय 2m की, कहां घूमे हुए हो, आ गया, आया इधर से, अच्छा कैसे किया बताओ, अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम पे इंक्रीज हुई, ट्वाइस, चलो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी पहले क्या थी के, मोमेंटम क्या था पी, काइनेटिक एनर्जी अब क्या है के डैश, मोमेंट नहीं, अब कितनी है 2k, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितनी कर दी हमने, ट्वाइस, तो मोमेंटम पी डैश स्क्वायर बाय 2m, ऐसी है ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू को वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टू इज इक्वल टू पी डैश का स्क्वायर बाय पी का स्क्वायर, तो पी डैश की वैल्यू क्या आएगी, रूट टू इंटू कितना पी, रूट टू इंटू पी आपके पास वैल्यू आ गई, तो रूट टू टाइम इंक्रीज हो गया, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। सेवन्थ का आंसर क्या बोलते हो, आपको बी लगता है, बी लगता है, कितना वो बी लगता है और क्यों लगता है, क्यों, कंजर्वेटिव, उसने क्या कहा ए से लेके बी तक जा रहे हैं और तीन रास्ते हैं वन टू एंड थ्री, और कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट पाथ है इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्सेस में, कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो इसलिए W1, W2 एंड W3 की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट जो आपने करना है इलेवेंथ, इलेवेंथ थोड़ा छोटा है, यह अभी हुआ है हमने, A डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस B डिवाइडेड बाई R, ये लिखा हुआ है,
कैंसर है इसका, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम तो फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो फोर्स क्या होगी, क्या स्टेप होगा, एफ इज इक्वल टू क्या, माइनस डी यू बाई डी आर और इक्वल टू क्या, जीरो। तो डी बाई डी आर ऑफ यू की जगह ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए बाहर आ गया, डी बाई डी आर ऑफ आर रेज टू पावर माइनस टू माइनस बी बाहर आ गया, डी बाई डी आर ऑफ आर रेज टू पावर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ए माइनस टू आर रेज टू पावर माइनस थ्री, बी माइनस वन आर रेज टू पावर माइनस टू इक्वल टू क्या, जीरो। करो जरा सॉल्व, आर निकाल लो यहाँ से, इसको डिनोमिनेटर में ले जाना आर क्यूब और इसको आर स्क्वायर, सॉल्व करो आर क्या आ रहा है, चेक करके बताओ, टू ए बाई बी ये आ रहा है, चेक करो, खुद करो अपना ये क्वेश्चन। तो इस असाइनमेंट का लेवल जो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा उन असाइनमेंट से थोड़ा सा मॉडरेट है, ठीक, देखो कई असाइनमेंट्स का लेवल है तो वो हमने थोड़ी मुश्किल की, थोड़ी वाली असाइनमेंट मुश्किल थी, आपके बस के भी शुरू में थी नहीं, बट चलो फिर भी आपने ट्राई की, अच्छी बात है, कुछ सीखा ही है, तो ये करना ये फिर भी बेटर फील होगी आपको उनसे। तो जितना भी काम हमने किया रिवाइज करना और फिर ये करना। करंट टेस्ट मैंने बता दिया 3 सितंबर को पढ़ लिया सबने, क्योंकि सितंबर में आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं तो आपको यहाँ देना है, और जो नहीं परफॉर्म करेगा उसका रीटेस्ट है, देख लेंगे यार, दो तो लेने ही पड़ते हैं क्योंकि इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए करोगे क्या, दो तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अगर यहाँ नहीं कर पाए तो स्कूल भी गया, बात ही ख़त्म है, तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा। और एनसीईआरटी लेवल है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक लेवल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करना, क्वेश्चन 16। देखो क्वेश्चन है, इंजन पंप्स वाटर थ्रू अ होस पाइप, वाटर पासिस थ्रू अ पाइप एंड लीव्स इट विद अ वेलोसिटी ऑफ टू। ये ना मास पर लेंथ नहीं है, यहाँ पर लिखो मास पर यूनिट टाइम और यहाँ करो सेकेंड, अब करो अब, ठीक है, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ नहीं होता, वाटर का मास पर यूनिट टाइम होता है। पावर निकालनी है क्या होगी, फॉर्मूला बता देता हूँ, फोर्स इंटू वेलोसिटी, जब कुछ समझ में ना आए तो फोर्स इंटू वेलोसिटी तो है ही है, तो पावर लिख लो हिंट फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स लिक्विड के अंदर फोर्स चैप्टर में किया था ऐसे करते थे ना, और लिक्विड्स में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्या बचा डीएम बाय डीटी इंटू वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी गिवन है, डीएम बाय डीटी भी गिवन है, चेक कर लो, डीएम बाय डीटी भी गिवन है, मास अपॉन टाइम भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, मल्टीप्लाई करो तीनों को, क्या आंसर आ रहा है, फोर हंड्रेड, समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है। तो जब लिक्विड बाहर निकलेगा समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो एम इंटू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इज मास इंटू डी बाई डी पी बाई डी टी, क्लियर है। तो ये प्रैक्टिस है, मतलब 800 है, नहीं इसका यही आंसर है, गलत है, यही आंसर आएगा, इसका तरीका ही नहीं हो कोई, यही आना चाहिए 400 आ रहा है ना, टू का स्क्वायर, टू इंटू टू फोर, नहीं यार 400 आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है, एक मिनट रुको जरा, डीएम बाई डी टी, चलो एटलीस्ट मास
पर यूनिट टाइम के साथ तो 400 ही है। मैं एक बार चेक कर लूँगा, मास पर यूनिट लेंथ सही तो नहीं था, एक बार उसे करना पड़ेगा मुझे उसके साथ m बाई एल, एक बार उससे चेक करते हैं। बोलो हाफ एम वी स्क्वेयर बाई डी टाइम, हाफ एम वी स्क्वेयर बाई टाइम में आंसर क्या आ रहा है? चेंज हो गया आंसर। देखो पानी के जब क्वेश्चन और फोर्सेज निकलती हैं तो एम इंटू डी वी बाई डी टी तो लगे, वी इंटू डी एम बाई डी टी लगेगा ही ना, क्योंकि मास ऑन टाइम है। ठीक है लेंथ ही है, फिर 800 ही आएगा। फिर ये लिखो होमवर्क, इसको करेंगे फिर ये कुछ गड़बड़ होगी इसमें। मास पर यूनिट टाइम ही होगा, ये मास पर यूनिट लेंथ ही है, इसको एक बार करके आना है ट्राई। तो फिर अब लगा के देखना, जो आपने लगानी है ना मास पर लेंथ जो भी लगाना है इसका ट्राई करना। मैंने इसके क्वेश्चन दे दिए ना आपको करने के लिए, एक 17th कर जाओ बस 17th, इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, एक बार ट्राई करके आना तो ये ठीक ही होगा प्रॉब्लम। इसको देखो 17th का आंसर क्या है। आंसर है ये तो इजी है, क्या आंसर बोलते हैं इसको? बी है, हाफ द इनिशियल हाइट। अच्छा चेक कर लेते हैं। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप किसी भी स्टोन को या बॉडी को किसी हाइट से गिरते हो, है ना, किसी हाइट से गिरते हो एच, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल, काइनेटिक क्या होती है यहाँ पर? जीरो। ठीक है, जब ये नीचे आएगी सारी की सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक, और पोटेंशियल क्या हो जाती है? जीरो। अब काइनेटिक का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना एम जी एच, जैसे मान लो 10 जूल है तो 10 जूल ही रहेगा ना, ये तो ऐसे ही करेंगे ना। तो जब ये बॉडी वापस जाती है वो कह रहा है 50% एनर्जी लॉस है, तो चलते ही इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? एम जी एच बाई टू, आधी से चलती है। और मान लो एच डैश हाइट अटेन करती है तो पोटेंशियल क्या अटेन करेगी? एम जी इंटू एच डैश, एम जी एच बाई टू, तो यहां से एच डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच बाई टू। आंसर एच बाई टू। ठीक,